हेलो दोस्तों, मैं शशांक चौरसिया सुपर टेक्निकल एजुकेशन में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लाया हूं ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, निर्देशांक ज्यामिति। दोस्तों, ये रेलवे का एग्जाम हो या एसबी पुलिस हो या व्यापम जेई हो या एसएससी हो, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। दोस्तों, अभी रेलवे के जो सीक्रेटरी टू का एग्जाम हुआ उसमें इस तरह का क्वेश्चन आया भी था, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, यदि दो बिंदु 4-3 एंड 5-2 हो तो उनके बीच की दूरी प्रवणता व सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो। तो दोस्तों, अगर ये दो बिंदु दिए हैं तो सबसे पहले अगर अपन को दूरी निकालना है तो दूरी निकालने का, अगर ये दो बिंदु दिए हैं दोस्तों 4-3 और 5-2, तो उनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी निकालने का एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला होता है, दूरी इज इक्वल टू द अंडर रूट x1-x2 का होल स्क्वायर प्लस y1-y2 का होल स्क्वायर। तो अब वैल्यू पुट करना सब दोस्तों, ये हो जाएगी अपनी x1 y1, ये x2 y2। तो अपने पास यहां लिख भी देता हूं, x1 इज इक्वल टू हुआ 4, y1 इज इक्वल टू हुआ -3, x2 इज इक्वल टू हुआ 5, y2 इज इक्वल टू हुआ -2। वैल्यू बस पुट करना है दोस्तों, x1 की जगह 4, x2 की जगह 5 होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह -3, फिर माइनस y2 की जगह, ये हो गया अपना y1, y2 की जगह -2, तो ये -- प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर 5-4-5, तो -1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 प्लस -3 और 2 -1, फिर -1 का स्क्वायर 1, तो 1 और √1 और √2, तो इनके बीच की जो दूरी आ जाएगी, दूरी बराबर हो गई √2। कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसका दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है √x1-x2 + y1-y2 का होल स्क्वायर, x1 की जगह x1 की वैल्यू, x2 की जगह x2 की, y1 की जगह y1 की, और y2 की जगह y2 की वैल्यू पुट करें तो अपना आंसर आया √2। अब अपन को निकालना है दोस्तों प्रवणता। कई कई सिर्फ एग्जाम में दूरी निकालने के लिए बोलता है, तो ये अगर प्रवणता निकालना हो प्रवणता, जिसे इंग्लिश में स्लोप बोलते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम से। तो एम अगर प्रवणता बोले स्लोप, तो एम निकालने का फार्मूला होता है y2-y1/x2-x1 या तो y1-y2/x1-x2। ये दोनों फार्मूले एक ही दोस्तों, चाहे y2-y1/x2-x1 लिखो या y1-y2/x1-x2 लिखो, तो ये फार्मूला रखते हैं। तो y2 है अपना -2, y1 है अपना 4 डिवाइड बाय x2 है अपना 5 माइनस x1 है अपना y2 हुआ अपना -2, y1 हुआ अपना -3 है y1 की वैल्यू, तो -+ x2 की वैल्यू हो गई 5, x1 की वैल्यू हो गई 4, तो -4। या यही इसमें वैल्यू रख के देखते हैं दोस्तों, y1-y2, y1 की वैल्यू हो गई -3, y2 की वैल्यू हो गई -2, तो ये माइनस और ये -+ 2 डिवाइड बाय x1-x2, तो x1 हो गया 4 माइनस x2 हो गया अपना -2, तो ये -+ वैल्यू पुट करें तो -2 और प्लस, तो ये हो गया +1 डिवाइड बाय 1। या अगर इस फॉर्मूले से रखें तो ये हो गया अपना -1 x1-x2, x1 की ये हो गई, x2 की वैल्यू 5 है,
एक्स वन फोर हो गया, एक्स टू हो गया अपना फाइव, तो माइनस फाइव इसे वैल्यू पुट करें तो ये अपना आया माइनस वन अपॉन माइनस वन, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो दोस्तों दोनों फॉर्मूले से देखें तो अपना आंसर वन आया। तो प्रवणता में चाहे वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन रखो या वाई वन माइनस वाई टू अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू रखो, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो कोई एक फॉर्मूला रखना, तो अपनी प्रवणता आ गई एम, तो स्लोप आ गया अपना वन, तो अपना प्रवणता बोले तो प्रवणता स्लोप आ गया अपना वन। अब अपन को सरल रेखा का समीकरण याद करना है, तो सरल रेखा का समीकरण, तो सरल रेखा का समीकरण होता है दोस्तों y माइनस y वन इज इक्वल टू एम कोष्टक में x माइनस x वन, ये अपना सरल रेखा का समीकरण होता है दोस्तों y माइनस y वन इज इक्वल टू एम कोष्टक में x माइनस x वन। तो y हुआ माइनस y वन, y वन की जगह माइनस थ्री है तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों। m m की वैल्यू है, प्रवणता स्लोप की वैल्यू पर निकाल चुके हैं वन, तो m की जगह वन कोष्टक में x माइनस x वन, x वन की वैल्यू है प्लस फोर, तो यहाँ से ये हो गया अपना फोर निकाले, तो y प्लस थ्री इज इक्वल टू x माइनस फोर, तो अपन ने चेंज किए तो y माइनस x ये इधर आएगा और ये उधर जाएगा, तो माइनस सेवन, ये अपना सरल रेखा का समीकरण आया दोस्तों। तो दूरी भी निकाल ली है दोस्तों अपन ने, अगर अपने पास दो बिंदु दिए x1 y1 x2 y2 तो उनके बीच की दूरी निकालना तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर प्रवणता निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर सरल रेखा का समीकरण निकालना हो तो सरल रेखा का समीकरण ये होता है दोस्तों। आइए दोस्तों अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू है, यदि समीकरण 3x plus 7y plus 15 is equal to 0 के रूप में हो तो प्रवणता ज्ञात करो, प्रवणता यानी स्लोप अपन को ज्ञात करना। अभी तक क्या देखा था दोस्तों अपन ने, इसके पहले वाले क्वेश्चन में अपन को दो बिंदु दिए हुए थे x1 y1 और x2 y2, अब यहाँ पे अगर अपन को समीकरण दिया हो 3x plus 7y plus 15 is equal to 0 तब प्रवणता क्या होगी, तो दोस्तों ये याद रखना, यदि समीकरण ax plus by plus c is equal to 0 के रूप में हो, तो देखो दोस्तों समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी अगर इज इक्वल टू जीरो के रूप में हो तब प्रवणता क्या होगी, तो प्रवणता जो होती है जिसे इंग्लिश में स्लोप बोलते हैं, स्लोप एम इज इक्वल टू हो जाता है माइनस एक्स का गुणांक डिवाइड बाय वाई का गुणांक। कुछ नहीं करना है दोस्तों, अगर समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में हो तो सिर्फ याद रखना प्रवणता इज इक्वल टू जाती है माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक, तो कुछ नहीं वैल्यू रख दो माइनस की जगह तो माइनस आ जाएगा एक्स का गुणांक, तो दोस्तों समीकरण में एक्स का गुणांक क्या है तीन, तो थ्री डिवाइड बाय वाई का गुणांक, वाई का गुणांक क्या है दोस्तों सेवन, तो बटे सेवन, तो अपनी m इज इक्वल टू जो आ गया प्रवणता आ गई दोस्तों माइनस तीन बटे सात। आइए देखते हैं दोस्तों उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समीकरण माइनस फाइव एक्स प्लस 15 बाय प्लस 19 इज इक्वल टू 0 तो प्रवणता ज्ञात करना है, तो दोस्तों मैंने अभी जो आपको बताया था यदि समीकरण ax plus by plus c is equal to 0 के रूप में हो तो अपन को प्रवणता, यस जिसे स्लोप बोलते हैं,
हो जाता है m is equal to minus x का गुणांक बटे y का गुणांक। तो कुछ नहीं दोस्तों, वैल्यू पुट कर दो। अब माइनस एक्स का गुणांक तो माइनस तो हुआ दोस्तों, एक्स का गुणांक। अब यहाँ पे देखना दोस्तों, एक्स का गुणांक क्या है, माइनस फाइव। इसके पहले वाले क्वेश्चन में पॉजिटिव था, बट यहाँ पे क्या हो गया, अब एक्स का गुणांक माइनस फाइव। तो ये माइनस तो हुआ और ये हो गया माइनस फाइव डिवाइड बाय वाई का गुणांक। वाई का गुणांक हुआ अपना 15, आ गया 15। इसको सॉल्व करें तो माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस 5 अपॉन 15, तो 5 एक का 5, 5 3 का 15, तो 1 बटे 3। तब यहाँ पे स्लोप क्या आ गया अपना, 1 बटे 3। बस ये फॉर्मूला याद रखना दोस्तों, माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक। तब यहाँ पे प्रवणता आ गई अपनी, एम इज इक्वल टू 1 बटे 3। दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुज जिसके शीर्ष के निर्देशांक 4, 2, 6, 2, 5, 3, 2, 2, त्रिभुज का क्षेत्रफल या क्षेत्रफल ज्ञात करो। अगर अपन को त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक दिए हैं तब उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कोई त्रिभुज है अपना, उसके शीर्ष के निर्देशांक मान लीजिए ये वाले हैं 4, 2, ये वाला मान लीजिए 6 और 2, ये वाला मान लीजिए 5 और 3। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो अपन देखते हैं दोस्तों। तब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर त्रिभुजों के निर्देशांक दिए हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 कोष्ठक में। इसको याद करने की फिर भी बताऊंगा दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल इसको 1/2। अब सबसे पहले लेना है हमको x1 क्वेश्चन में, अगर यहां x1 आ गया है तो वहां y2 माइनस y3, अगर यहां x1 आ गया है तो अंदर जाएगा y2 माइनस y3 प्लस। अब यहां प्लस, यहां x1 है तो यहां x2 क्वेश्चन में, अगर यहाँ x2 आ गया है तो बचता है y1 और y3, तो x2 के बाद आता है y3 माइनस y1 प्लस, यहाँ दोस्तों x1 था, x1 के बाद y2 माइनस y3 प्लस x2 अगर आ गया है तो x2 के बाद वाला लेना है, तो y3 माइनस y1 प्लस। अब x2 आ गया है तो x3 के बाद फिर आएगा अपना y1 माइनस y2 y1 माइनस y2। तो ये फॉर्मूला हुआ दोस्तों, वैल्यू पुट करो और आंसर लाना है। तो 1/2 अंडर रूट x1, ये अपने निर्देशांक होगा, ये अपने होगा x1 y1, ये हो गया अपने x2 y2, ये हो गया अपने x3 y3। तो x1 यानी 4 क्वेश्चन में, y2 माइनस y3, तो y2 ये हुआ, y3 ये हुआ, तो 2 माइनस 5 प्लस x2 क्या हुआ अपना दोस्तों, ये हुआ 6 क्वेश्चन में, y3 माइनस y1, तो y3 ये हुआ, y1 ये हुआ, तो 3 माइनस 2 प्लस x3 निर्देशांक 5 है पुस्तक में, y1 माइनस y2, तो y1 ये हुआ, y2 ये हुआ, तो 2 माइनस 2। अब वैल्यू पुट करें तो 1/2 पुस्तक में 4 × 2 में से 5 गया तो -3 प्लस 6, 3 में से 2 गए 1 प्लस 5, 2 में से 2 गए तो 0। 1/2 कोष्टक में 4 − 3 − 12 प्लस 6 + 6 प्लस 0। तो यहां पे अपना आ गया दोस्तों 1/2
माइनस 12 में से प्लस 6 गए तो माइनस 6, तो अपना आंसर आ गया दोस्तों माइनस 3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया अपना माइनस 3 मीटर स्क्वायर। ये आपने वैल्यू गलत आई है दोस्तों, ये है अपना y2 माइनस y3, तो y2 ये था, y3 की वैल्यू 3। अब वैल्यू पुट करेंगे तो 2 में से 1 है तो ये हो गया अपना -1, तो ये आया अपना -4। तो 1/2 -4 में से +6 गए तो 2 आया, 2 में से 2 कटा तो 1 मीटर स्क्वायर। तो अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है 1 मीटर स्क्वायर। तो अगर अपना निर्देशांक दिए हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 x1 कोष्ठक में y2 - y3 प्लस x2, अगर x2 दे दिया है तो y3 - y1 प्लस अगर x3 दे दिया है तो y1 - y2। बस ध्यान रखना दोस्तों कौन सा x1 होगा, कौन सा y1 होगा, कौन x2 होगा, y2 होगा, x1 x3 और y3 की वैल्यू क्या होगी। तो 1/2 x1 अपना 4 था तो 4, y2 - y3 तो 2 - 3 प्लस x2 की वैल्यू हुई 6, y3 - y1 तो y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 तो y1 - y2 तो 2 - 2 वैल्यू रखे पुट करें तो अपना आंसर आया दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों अगर त्रिभुज के निर्देशांक दिए हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरह से निकाला जाता है।